मुझे आपके साथ रहना है और परिवार के साथ भी। बस इसलिए। डॉक्टर ने कहा है आराम करो, हाँ ये सब अभी सोचने की जरूरत नहीं। चाची, भेजता हूं तुम्हारी चाची को। आपकी बड़ी कृपा है हम पर, आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। उसे फिर से हंसती खेलती करना आप ही की तो जिम्मेदारी है ना? डॉक्टर ने बताया है ना, पेशेंट के पास बैठ के रोना नहीं है। मैं कहाँ रो रही? तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी गायत्री, और मैंने तो तुझे जन्म देने का पुण्य भी नहीं किया। लेकिन मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तभी तो आपका इतना प्यार मिला। अब ऐसी मीठी मीठी बातें मत कर मुझसे। मैं तो सोच कर आई थी कि अंदर आते ही तुझे खूब डांटूंगी, कहूंगी कि पगली मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूं, तुझे सब कुछ तो देखना बाकी है, और तू यमराज के सामने मेरे बदले खड़ी हो गई। कुछ अकल विकल है कि नहीं तुझे? क्योंकि मेरी चाची मुझे इतना प्यार जो करती है। कैसा प्यार गायत्री, तूने आज मेरे लिए किया है, उसके सामने वो सब कुछ नहीं है। और अगर कुछ किया भी हो तो आज तूने मेरे लिए जो किया है उसके सामने कुछ भी नहीं। अब क्या आप मुझसे हिसाब करेंगी? नहीं करूंगी, बस तू जल्दी से ठीक हो जा बेटा। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो। रोशनी, यश जोकर, लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तू कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, नहीं। खून, खून के बदले कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाई
तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।